अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके से दुकान मालिक की हत्या की वारदात सामने आई है। दरअसल शुक्रवार को दुकान मालिक केशुभाई प्रजापति अपनी दुकान का किरायेदार दशरथ ठाकुर से पिछले 3 महीने का किराया लेने गए थे, लेकिन किराए की बातचीत करते हुए किराएदार और उनके बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच बात हाथापाई तक उतर आई और इस दौरान दुकान मालिक केशुभाई प्रजापति की जान चली गई। बता दें कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी दशरथ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी के साथी हितेंद्र परमार को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बनाई है। रामोल विस्तार में कल शाम को जो घटना घटी है, इसमें एक रामोल वेचरी रेजिडेंसी में एक ग्राउंड फ्लोर पर एक पान का पार्लर है यमराज के नाम से, जिसमें अपना भाड़ा लेने के लिए मकान जो दुकान का मालिक है विपिन भाई केशुभाई प्रजापति वहाँ पर आया था शाम को। भाड़े को लेके 3-4 महीने का भाड़ा इनका पेंडिंग था मकान मालिक का, और इन्होंने इसके लिए जो इनका भाड़ुआत है दशरथ प्रहलाद ठाकुर उससे 3-4 दिन से बात कर रखी थी कि वो इनका 3 महीने का जो भाड़ा है उसको दे दे। इसी उपलक्ष्य में इनकी 2 दिन पहले बात हुई थी, जिसमें जो भाड़ुआत है दशरथ भाई उसने इनको विपिन भाई को कहा कि वो 2 दिन बाद यानी 5 तारीख को आकर अपना भाड़ा शाम को ले सकता है। इसी भाड़े को लेने के लिए विपिन भाई दुकान पर पहुँचे हैं शाम को, और वहाँ पे एक जो व्यक्ति है हितेंद्र सिंह भवानी सिंह दरबार वो वहाँ पे था, जिसने ये दुकान जो अब तक की तपास सामने आई है उसने दशरथ से आगे भाड़े पर ले रखी है। तो जब उससे विपिन भाई ने अपना जो अंदाजित 50,000 रुपये के आसपास का पुराना भाड़ा है उसके लिए बात की, तो उनके बीच में उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके चलते एक तीक्ष्ण हथियार को लेकर जो ये हितेंद्र है इसने विपिन भाई पर अटैक किया और उनको छाती में और गर्दन में कई जगह पर इजा की है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ये जो आरोपी है हितेंद्र ये वहाँ से तुरंत अपना उनका मरण जनान का फ़ोन लेकर तुरंत वहाँ से भाग गया, और उसके बाद इसने अपने कुछ लोगों से भी बातचीत की, अपने घर में और अपने कुछ जाने वालों से बातचीत की, और उनको बताया कि मेरे साथ इस तरह का बन गया है और मैंने एक तीक्ष्ण हथियार से विपिन भाई पर हमला करके उनको मार दिया है, जिसके बाद ये वहाँ से किसी से ये सब बातें करके वहाँ से भाग गया था। उसके बाद हमें जिस लोगों से इसने कॉन्टैक्ट किया था उन सब को लूप में लेके और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर हमने इसका पीछा किया और रात में फिर ये हमने इस आरोपी को पकड़ा।